अमीन ने दुनिया से पर्दा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो सरकार चले गए अपने दादा के पास। है कोई दादे पे दाद देने वाला? सुभान हजूर चले गए अपने दादा के पास। 8 साल के सरकार हैं और दादा ने कहा लगता है हमारे जाने का टाइम हो गया। और दादे ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखे ना तेरे किन्ने चाचे मैं बुला लें सारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तगड़ा को सुनना पड़ना तो बड़े होश ना सुनना पड़ना। दादे ने मुस्तफा ने फरमाया कि वेखो ना तेरे में सारे चाचे बुलाए ने मेरे पास किन्ने को रहना पसंद करेगा। ठीक है जी। तो हजूर उठ पे सरकार खरामा खरामा उठे और चलते चलते उस हस्ती की गोद च पै गए जिन्होंने जमाना सैयदना अबू तालिब नाम तो याद करता है। हलाली खूना तो पवेगा हर पंगा तो नहीं सुनते। मैं एक शेर उसको हडिया तबरीक पेश कर लूँगा। किन्ना की नज़र चीज उन्हें कलमा नहीं पढ़िया तो इंज मैं कहीं फैसला क्यामत अलग हो जाएगा जिन्ना को ना हक बनता तारीफ तो कर लो तारीफ तो करो ना अगले फैसले अलग छ जो किस का फैसला होगा देखी जाएगी तेरा की फैसला होगा मेरे बगैर। सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब अबू तालिब सभी कुफार पे गालिब हाथ उठा के कहना है अबू तालिब अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब अबू तालिब। अब सुभान अल्लाह से निकलेंगे मुंह से जिसकी जबान अल्लाह पसंद करेगा। पढ़ाया अक्द जिसने खुद खदीजा से मोहम्मद का जिसने खुद खदीजा से मोहम्मद मिलाए जिसने तो कालिब अबू तालिब अबू तालिब मिलाए जिसने तो कालिब अबू तालिब अबू तालिब। मैंने शान अबू तालिब पढ़ दी। मैंने हजूर की अम्मी की शान पढ़ी। मैंने हुजूर को पढ़ा। मैंने दरवाजे को पढ़ा। अब मैं चला हूँ हुसैन की जाने। मैं मेरी अपनी तबीयत है किसी की फरमाइश नहीं।